ये ओ भाई अक्कड़ बक्कड़ काम आया क्या? ओ भाई अक्कड़ बक्कड़ मेरा काम आ गया। तो भाई साहब हमारी गेम के अंदर एक नया इवेंट आ चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं ये मेल बंडल कितने डायमंड में निकलेगा। और जैसे कि मैंने टुनाइट अपडेट आपको बताया था कि ये बंडल का इवेंट आने वाला है, तो फाइनली यहाँ पे इवेंट आ चुका है। तो चलो यहाँ पे हम इवेंट को ओपन कर लेते हैं। और हाँ भाई साहब यहाँ पे मेरे टीम कोड का गिव अवे रखा है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले 3 प्लेयर मेरे ग्रुप में आएंगे उनको मैं गूगल पे का रिडीम कोड दूंगा। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, और इससे पहले वाले गिव अवे में कौन सबसे पहले 3 प्लेयर मेरे ग्रुप में आए थे वो प्रूफ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो भाई साहब यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है पेंटा फ्लिप वाला इवेंट, और ये मेल बंडल जो कि भाई साहब बहुत ही ओपी है, और इसके अंदर हमको टोटल 5 रिवॉर्ड मिलेंगे कार्ड के अंदर। देखो यहाँ पे ब्लू वॉल है, यहाँ पे मेल बंडल है, पैराशूट है, बैकपैक है और लूट बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको स्पिन ट्रिक बता दूंगा और इसी के साथ में कितना डायमंड लगेगा वो बताने जा रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कितना डायमंड लगने वाला है ये बंडल के लिए। लेकिन स्पिन करने से पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दिल से अच्छा लगेगा। तो भाई साहब यहाँ पे मैं स्पिन करने जा रहा हूँ अपने भाई की आईडी में, तो देखते हैं कितना डायमंड लगने वाला है। तो यहां पे हम कर लेते हैं शफल। तो ये जो शफल वाली बटन है इस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, और यहां पे आपको कर देना है यहां पे कोई भी एक कार्ड पे क्लिक। देखो पहली स्पिन जो है 9 डायमंड की है, तो आप कोई भी एक कार्ड पे क्लिक करोगे तो वो कार्ड ओपन होगा, और वो कार्ड में जो रिवॉर्ड रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। मतलब रिवॉर्ड क्या है, ये पांचों में से वॉल बंडल पैराशूट बैकपैक लूट बॉक्स, तो ये पांचों में है। तो देखो यहाँ पे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 9 डायमंड में हमको दिया जाएगा पैराशूट, क्योंकि सबसे छोटा रिवॉर्ड यही है। तो चलो यहाँ पे हम पैराशूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, चलो ये वाले कार्ड को हम पिक कर लेते हैं। तो ये वीडियो के लिए मैंने गिव अवे रखा है, कमेंट में रिडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके जल्दी से जाके रिडीम कोड ले लो। वाला कार्ड मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पे डू नॉट रिमाइंड, और ये 9 डायमंड गया। तो यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो फाइनली, ओ भाई ये क्रेट भाई, यहाँ पे हमको 30 रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। मैंने सोचा यार 5 कार्ड है तो 500 कार्ड में अच्छे रिवॉर्ड होंगे, मगर यहाँ पे हमारा काट लिया, तो 9 डायमंड का 30 रिवॉर्ड निकला। तो भाई ये बहुत ही गंदा है। यहाँ पे देख, ओ हो ऐसा है क्या, मतलब एक एक आप कार्ड ओपन करोगे तो एक एक रिवॉर्ड एंटर होते जाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ 2 रिवॉर्ड है, एक तो मेल बंडल दिया गया और एक बैकपैक। तो चलो यहाँ पे हम फिर से शफल कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे डायमंड तो बहुत जाने वाले हैं, तो देखते हैं बैकपैक या बंडल कहाँ निकलेगा। तो भाई इतना स्पिन कर रहा है कि हमको कंफ्यूज कर रहा है। चलो ये वाला कार्ड पे स्पिन करके देखते हैं, 19 डायमंड लगेगा और ये 19 डायमंड मेरा गया। भाई यहाँ पे भाई साहब फिर से भाई यहाँ पे 30 रिवॉर्ड ही निकल रहे हैं। तो चलो यहाँ पे अब यहाँ पे ओके कर लेते। ओ यार यहाँ पे मैंने स्पिन तो कर लिया, लेकिन आपको मैंने स्पिन वाली ट्रिक नहीं बताया कि स्पिन वाली ट्रिक क्या लगाना है। तो भाई यहाँ पे चलो कोई नहीं, वैसे भी लक वाली बात होती है, स्पिन वाली ट्रिक हर टाइम काम नहीं करता है। तो चलो अब मैंने स्पिन कर दिया, तो अब ट्रिक लगा के कुछ मतलब नहीं। अब यहाँ पे हम करते क्या, ये जो शफल वाली बटन है इस पर फिर से क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कितना डायमंड की स्पिन होगी। मुझे जहाँ तक लगता है 39 डायमंड, ओ 29 डायमंड, 10 डायमंड मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया था। तो यहाँ पे ये टाइम हम बीच वाला कार्ड पिक करते हैं यार, बीच वाला करे या कोने वाला करे, तो ये कोने वाला करना ही सही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया, और यहाँ पे मुझे बैकपैक मिला है, मुझे लगा बंडल मिल गया यार, सच में बहुत ही अच्छा लगा। ओ भाई बीच में बंडल था, शिट मैन मैं बीच में क्लिक करने वाला था यार, बहुत गंदा हो गया मेरे साथ। तो कोई नहीं, ये बार हम थोड़ा नजर रखते हैं बंडल पे कि बंडल कहाँ जाएगा। ये रहा हमारा बंडल, और ये कार्ड यहाँ यहाँ गया यहाँ गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये बंडल होना चाहिए, 49 डायमंड की स्पिन है, और यहाँ लूट बॉक्स 30 रिवॉर्ड निकल गया, शिट। कोई नहीं, यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे ये दो जगह बहुत कहाँ से। अब यहाँ पे हम फिर शफल करेंगे और 5ों कार्ड आ जाएंगे अंदर। तो भाई यहाँ पे हमने शफल कर दिया है, और यहाँ पे बंडल देखते हैं कहाँ निकलता है। तो ये रहा 69 डायमंड का स्पिन, और देखते हैं ये टाइम क्या होता है। भाई इनक्यूबेटर वाउचर, भाई बहुत गंदा काट रहा है यार। अब 4 रिवॉर्ड अब अंदर आ जाएंगे। अब देखो 4 रिवॉर्ड है ये 4 कार्ड के अंदर, बंडल ग्लू वॉल और ये लूट बॉक्स। तो यार कम से कम यार 99 डायमंड की स्पिन है, तो यहाँ पे हमको लूट बॉक्स नहीं चाहिए और पैराशूट नहीं चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, पैराशूट या लूट बॉक्स ही मिलेगा, ये दोनों रिवॉर्ड कोई भी एक निकल जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मेल बंडल और ग्लू वॉल का तो मुझे चांसेस कम लग रहा है, और यहाँ पे चलो कौन सा करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में से निकला धागा, चोर निकल के भागा, चोर को पकड़ लो रस्सी में जकड़ लो। आगे क्या आता है, आगे नहीं पता यार, ये जकड़ लो ही पे कर लेते हम, आगे हमको नहीं पता भाई, अक्कड़ बक्कड़ आता नहीं अपने को पूरा। तो जिसको आता है नीचे कमेंट करके लिख देना। चलो इसको 99 डायमंड वाली स्पिन करके देखते हैं। और भाई ये ओ भाई अक्कड़ बक्कड़ काम आया क्या,
ओ भाई अक्कड़ बक्कड़ मेरा काम आ गया। तो भाई ये है स्पिन ट्रिक, अक्कड़ बक्कड़ वाली स्पिन ट्रिक काम आएगी आपको, लगाना जिस तरीके से मेरे को ग्लू वॉल निकला भाई मजा ही आ गया। मतलब ग्लू वॉल निकल गया भाई, दिल से अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। मतलब यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा मेरा अक्कड़ बक्कड़ वाला काम आएगा। तो भाई स्पिन ट्रिक समझ गए आप लोग, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वाली स्पिन ट्रिक है ये। तो चलो ये ओके हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3 रिवॉर्ड बचे हैं, तो अब जो स्पिन है वो 199 डायमंड की। तो यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि ये सर्फबोर्ड है, तो यहाँ पे इस तरीके का आपको देखने मिलने वाला सर्फबोर्ड। और यहाँ देख सकते हो फाइनली ये ग्लू वॉल बहुत ही ओपी लग रहा है। तो यहाँ पे जबरदस्त ग्लू वॉल बनाया गया, एनिमेशन दिया होता ना तो और मस्त लगता है, लेकिन कोई नहीं, सिंपल है पर बहुत ही जबरदस्त ग्लू वॉल लग रहा है। तो कैसा लगा आपको ये ग्लू वॉल नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई सब यहाँ पे मैंने टीम कोड जनरेट कर दिया है, और यहाँ पे मेरे ग्रुप में आने के लिए आपको रूल फॉलो करके आना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, तो आप लोग मेरे ग्रुप में इजिली आ जाओगे। और जो सबसे पहले 3 प्लेयर आएंगे मेरे ग्रुप में उनको मैं गूगल प्ले का रेडीम कोड दूंगा। तो देखो अगर आप ये वाले गिव अवे में नहीं आ पाते तो नेक्स्ट वाले गिव अवे में 100% आप आ सकते हो। वो कैसे आप आ सकते हो इसके लिए आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करोगे तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे वीडियो का, और आप वो वीडियो के नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जल्दी से मेरे वीडियो पे आना, और कमेंट में आके टीम कोड वाले लिंक पे क्लिक करके टीम कोड लेके आप मेरे ग्रुप में आ सकते हो। तो भाई अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे याद से कर लेना, और जिसको नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलती है तो यहाँ पे एक काम करो, आप लोग चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब कर लो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना। सबसे मेन चीज है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना अगर आपको मेरे टीम कोड गिव अवे के अंदर आना है सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है गोस्ट गेमर। अभी यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों में से कुछ बोलेंगे यार ये तो मेरा फ्रेंड है, देखो ये पहले विनर बन चुका था इसके लिए मेरा फ्रेंड है, लेकिन जो नथिंग FF करके ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये नया प्लेयर आया पहली बार आया है। तो अभी मैं इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, ये भी मेरा फ्रेंड बन जाएगा, और उसके बाद अगर फिर कभी आता है नथिंग तो ये मत बोलना ये मेरा फ्रेंड है। देखो यहाँ पे एक और नया प्लेयर आ चुका है 1 लाइक, तो ये दोनों को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, फिर बाद में ये होगा कि यार ये तो अपने फ्रेंड को दे रहा है। हेलो गोस्ट गेमर 1 लाइक और नथिंग। तो यहाँ पे गोस्ट गेमर मेरे पहले भी विनर बन चुके गिव अवे के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पे मेरे फ्रेंड के अंदर है, और यहाँ पे मैं आपको 1 लाइक और नथिंग आपको मैं फ्रेंड बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप तीनों लोग मुझे फ्रेंड के अंदर हाय भेज दो, ग्रुप के अंदर नहीं, फ्रेंड के अंदर हाय भेज दो, मैं आप लोग को रेडीम कोड दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले जो रेडीम कोड मैं दे रहा हूँ वो गोस्ट गेमर को दे रहा हूँ। यहाँ पे गोस्ट गेमर आपका जो रेडीम कोड है मैंने सेंड कर दिया, रेडीम करके कंफर्मेशन दे दो। और उसके बाद जो दूसरा रेडीम कोड है वो मैं देने जा रहा हूँ नथिंग FF को। तो नथिंग FF आपका जो रेडीम कोड है वो मैंने सेंड कर दिया है, आप भी रेडीम करके मुझे बताओ हुआ कि नहीं। अरे हो गया हो गया हो गया। तो यहाँ पे गोस्ट गेमर का हो चुका है रेडीम, और यहाँ पे 1 लाइक मैं आपको देने जा रहा हूँ रेडीम कोड। तो यहाँ पे 1 लाइक आपका रेडीम कोड भी मैंने सेंड कर दिया, आप रेडीम करके मुझे बताओ रेडीम हुआ कि नहीं। तो अभी यहाँ पे 1 लाइक और नथिंग का कंफर्मेशन बाकी है, जैसे ये कंफर्मेशन देते हैं। हेलो 1 लाइक हो गया, हो गया भाई। 1 लाइक का भी हो गया है रेडीम, और नथिंग आपका हो गया भाई, नथिंग का भी यहाँ पे हो चुका है रेडीम। तो यहाँ पे तीनों लोग ने रेडीम कर लिया है, तो यहाँ पे आप लोग भी इसी तरीके से मेरे ग्रुप में सबसे पहले आ जाओगे तो आपको भी रेडीम कोड मिल जाएगा, और इसी के साथ में मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको आने का मौका भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ में आपको मेरे से बात करने का भी मौका मिल जाएगा। तो अगर आपको भी आना है तो रूल फॉलो कर लो, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना है, मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे आएगा आप टीम कोड लेके मेरे ग्रुप में आ जाना, लाइक सब्सक्राइब कर देना ब्रो। हेलो सबके सब। तो यहाँ पे आपने सुना गोल्ड गेमर ने बोला लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो यार एक प्लेयर ने फर्स्ट टाइम ऐसा बोला है तो यार दिल से अच्छा लगा है, वरना सब आके लेके चले जाते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच गोल्ड गेमर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपने फैमिली का ख्याल रखें, थैंक यू, बाय बाय।